ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। JSR टाइम्स, बदलते भारत का विश्वसनीय चैनल। नमस्कार, आप देख रहे हैं JSR टाइम्स और मैं हूं आपके साथ जया हनुतिया। आइए नजर डालते हैं सुपर 7 खबरों पर। शुक्रवार को सुबह 5:30 बजे दिल्ली गैंगरेप मामले में निर्भया के चारों दोषियों को तिहाड़ जेल में दी गई फांसी। 7 साल के लंबे इंतजार के बाद दिल्ली की निर्भया को मिला न्याय। बता दें 16 दिसंबर 2012 को हुई थी यह घटना। एमपी में कमलनाथ सरकार होंगे पास या बीजेपी की बनेगी सरकार। 5:00 बजे तक कांग्रेस को विधानसभा में साबित करनी होगी बहुमत। वहीं दिग्विजय बोले कांग्रेस सरकार के पास बहुमत नहीं। साथ ही मुख्यमंत्री के इस्तीफे की बात भी आई सामने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस को लेकर जनता को किया संबोधित। पीएम मोदी ने देशवासियों से की अपील, 22 मार्च को जनता कर्फ्यू में दे अपना सहयोग और लोगों को ना करें भ्रमित। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में प्रत्येक देशवासी के सजग रहने की जरूरत पर दिया जोर। साथ ही कोरोना के खतरे को बताया विश्व युद्ध से भी खतरनाक। बता दें देश में अब तक 179 से भी ज्यादा अधिक मामले आ चुके हैं सामने, जबकि 4 लोगों की हो चुकी है मौत। पीएम मोदी की जनता कर्फ्यू की अपील पर कार्तिक आर्यन का वीडियो हुआ वायरल। वीडियो में कार्तिक ने तंज कसते हुए कहा, प्रॉब्लम यह है कि हमें किसी की सुननी नहीं है। साथ ही सैनिटाइजर और मास्क की अपील भी की। खेल जगत ने भी किया जनता कर्फ्यू का समर्थन। विराट समेत टीम के अन्य सभी खिलाड़ियों ने देशवासियों से की अपील। विराट ने ट्वीट कर कहा, कोरोना के खतरे का सामना करने के लिए सतर्क, चौकस और जागरूक रहे। शुक्रवार को तेजी के साथ खुला शेयर बाजार। सेंसेक्स 172 अंकों की तेजी के साथ 28,460 के स्तर पर पहुंचा, तो वहीं निफ्टी 94.85 अंकों की तेजी के साथ 8,358 के स्तर पर कर रहा कारोबार। सुपर 7 खबरों में फिलहाल इतना ही। और खबरों के लिए देखते रहिए JSR टाइम्स।